अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कृष्ण जी ऑफिस से वापस आ चुके हैं, आज गाड़ी लेके ही नहीं गए। एक बार पहले रात भर कमरे में बंद हो गई थी, तब से ऐसे कमरे में डर लगने लगा। तुम इतनी देर से कमरे में अकेली बैठी थी, तब तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तो अब अचानक से कैसे? तब तो पता था ना कि दरवाजा खुला है, तो मैं कभी भी बाहर जा सकती हूँ, लेकिन अब तो दरवाजा भी बंद हो गया, तो निकलना भी नामुमकिन है। चले, और भी घबराहट से हो रही है। हाँ, इट्स ओके, रुक जाओ। एक बार उन्हें कॉल करते हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुमसे शादी करना चाहता हूं। हम भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं दिव्या। सॉरी। इस अकेलेपन का अच्छे से फायदा उठाना है, दिव्यम को अपने प्यार याद दिलाना है। नेटवर्क कवरेज क्षेत्र के बाहर है। दिव्यम जी का फोन क्यों नहीं लग रहा है? ओह, याद है दिव्यम, जब मैं यहाँ पहली बार शूट करने आई थी, उस दिन मैं अपना हेयर ड्रायर भूल गई थी और कितना घबरा गई थी, और तुमने मुझे कितनी आसानी से शांत कर दिया था। और आज भी तुमने मुझे संभाल लिया, उसके लिए थैंक यू। तुम्हारी जगह कोई भी होता ना काया, तो मैं वही करता। एक सेकंड, मुझे जरा देखना था राधिका का फोन क्यों है। क्या हुआ? क्या कर रही हो तुम? सॉरी, मैं तो क्लास रखने गई थी और ध्यान नहीं गया। ऐसे कैसे ध्यान नहीं दिया तुमने? अच्छा हुआ कि गहरी चोट नहीं लगी है। ध्यान देना चाहिए ना। दिव्यम जी का फोन क्यों नहीं लग रहा? शूटिंग कैंसिल हो गई? तुम लोग सब लोग अपने घर चले गए? हाँ, मुझे थोड़ा पहले पता चल जाता तो कुछ सोच लेते। अगर शूटिंग कैंसिल होगी तो काया अभी तक घर क्यों नहीं आई? काया का फोन भी नहीं लग रहा है। हम एक काम करते हैं, जाके स्टूडियो में देख कर आते हैं। राधिका, हमारे सर में बहुत दर्द हो रहा है, हमारे लिए एक कप चाय बना दो। माँ जी, हम बस एक बार काया को देख कर आ जाते, उसके बाद चाय बना देंगे। काया को क्या देख कर आते? अरे वो अपने कमरे में होगी। राधिका, जब से तुम्हारी बहन आई है ना, जब देखो तब तुम उसके आगे पीछे लगी रहती हो। सांस की तो कोई कीमत ही नहीं है। हमने कहा ना, बहुत दर्द हो रहा है सर में, पहले जा करके चाय बनाओ। जी माँ जी। दिव्यम, हम कब तक यहाँ फंसे रहेंगे? अगर हमें यहाँ कोई ढूंढ नहीं पाया तो? अगर हम यहाँ ही फंस गए तो? शांत हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। शाम तक कोई ना कोई तो हमें ढूंढ ही लेगा, ठीक है? इट्स ओके। दिव्यम, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, प्लीज कुछ करो, मेरा दिल बैठा जा रहा है।
हे भगवान, कहीं ये ताला खुल ना जाए। यहाँ से बाहर निकलने से पहले मुझे दिव्यम के करीब आना ही है। माँ जी चाय। थैंक यू। अच्छा बाहर आंगन में देख लो, कपड़े सूख रहे होंगे, उठा लो जाकर। शिव जी का फोन तो अभी भी नहीं लग रहा है। हे भोलेनाथ, शिव जी ठीक तो है ना? ये तो दिव्यम जी के पैरों के निशान लग रहे हैं और ये ऑफिस के दूसरे रास्ते पे जा रहे हैं। कहीं दिव्यम जी ऑफिस में ही तो नहीं है? दिव्यम रुको, मैं कोशिश करती हूँ। संभाल के। बैठूंगा। आप दोनों यहां? ये राधिका यहाँ कैसे आ गई? सुजाता आंटी एक काम ढंग से नहीं कर सकती। राधिका आ ही गई है तो उसे समझ आ जाए। होली में जो गोली चलानी है उसकी तैयारी है कि नहीं? हमारा फोकस क्लियर है। हमारे रहते कोई जीत या हमारे परिवार को छू भी नहीं सकता। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 9:30 बजे। राधिका देखो, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? दरवाजा बंद हो गया था और काया गिरने वाली थी, इसलिए मैंने उसको संभाला हुआ था बस। और दिव्यम जी, आप दोनों कब से यहाँ पर हैं? तो भोलेनाथ का शुक्र है कि आपके यहाँ होने का संकेत हमें मिल गया। और बाहर ये स्टूडियो की चाबी थी इसलिए हम दरवाजा खोल के अंदर आ गए, वरना पता नहीं आप दोनों कब तक यहाँ पर रहते। मेरा पैर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, शायद मूंछ आ गई है। आओ खाया, हम तुम्हें सहारा देते हैं। आ जाओ आराम से। खाया, आराम से खाया। मैं चल नहीं पा रही हूँ। तो मुझे लगता है मुझे इसे उठाना ही पड़ेगा। राधिका कहाँ रह गई? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टूडियो की तरफ चली गई हो? हाय दया, ये गोलमुखी वहां कैसे पहुंच गई? मुन्ना, तू कब आया और ये सब क्या है? माँ जी, वो दिव्यम जी और काया ना स्टूडियो के अंदर बंद हो गए थे। वो तो अच्छा हुआ कि हम समय से वहाँ पे पहुँच गए। पता नहीं कितनी देर तक बंद रहते वरना ये लोग। और बेचारी काया के पैर में चोट भी लग गई है।
इससे वहां पहुंचना जरूरी था। हर जगह बेवजह टपक पड़ती है, पता नहीं काया और मुन्ना के बीच बात बनी भी या नहीं। माँ मैं एक काम करता हूँ, काया को उसके कमरे में ले जाता हूँ। हाँ हाँ बेटा, तू उसे आराम से लेकर जा। आराम से, मैं उठा लेता हूँ वैसे भी। हाँ हाँ जा रही हूँ। तुम्हारी बहन के पैर में चोट लगी है ना, वो तुम लेप बनाती हो, जाओ उसके लिए लेप बना कर लाओ। जी। ये देवरानी जी सच में इतनी भोली है क्या? उनका पति उनकी बहन को गोद में उठाए घूम रहा है और यह है कि लेप बनाने जा रही है। अच्छा हुआ हमरे गोलू जी नहीं गए, वरना कहीं हमरे गोलू जी जाते और उसके साथ वो उस कमरे में फंस जाते तो पता नहीं वो काया उन्हें ही ना पटा लेती। माँ एक काम करते हैं, डॉक्टर को बुला लेते हैं, कहीं कोई हड्डी ना टूट गई हो। नहीं दिव्यम, सिर्फ मोच आई है, एक दो दिन में अपने आप ठीक हो जाएगी। काया हमने ना तुम्हारे लिए हेल्दी वाला लेप बनाया, इसे लगाने से तुम्हें जल्दी आराम मिल जाएगा। काया तुम्हारे पैर में तो चोट लगी थी ना, लेकिन बिल्कुल भी सूजन नहीं आई है। अब सूजन नहीं है तो मैं क्या करूं राधिका, फालतू में थोड़ी दर्द में चिल्लाऊंगी। हाँ काया वो भी बात सही है, लेकिन तुम्हें पहले जरा सी खरोज भी लगती थी तो तुम पूरा का पूरा घर सर पर उठा लेती थी। राधिका यहाँ काया ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही है, बेचारा हमारा मुन्ना उसे गोद में उठा कर लाया है और तुम हो कि उसकी गहरी चोट तलाश किए जा रही हो। सॉरी माँ जी, हम लेप लगा देते हैं। हाँ लगाओ। बेचारी को कितना दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं काया, हमने ये लेप लगाया है ना, इससे तुम्हें जल्दी आराम मिल जाएगा। आराम करने दोगे तो उसे आराम मिलेगा ना, चलिए चलते हैं। मुन्ना बिल्कुल ठीक कह रहा है, चलो। हाँ। दिव्यम आज के लिए थैंक यू। शो वेलकम। कोई बात नहीं काया, दिव्यम जी का स्वभाव ही ऐसा है, वो हर किसी की मदद करते हैं, फिर चाहे वो घर वाला हो या बाहर वाला। राधिका चले। अब एक मिनट काया, ये क्या है? तुम्हारे तो हाथ में भी चोट लगी है, रुको। आपने ये लेप लगा दिया है, इससे तुम्हें जल्दी आराम मिल जाएगा। लेकिन राधिका ये रुमाल खराब है। हाँ तो हम इसे धो देंगे तो साफ हो जाएगा, तुम आराम करो। दिव्यम ने इतने प्यार से मुझे हाथ में रुमाल बांधा था, लेकिन राधिका उससे भी ले गई। कोई बात नहीं, वो सिर्फ दिव्यम का रुमाल ले जा सकती है, उसका दिल तो मैं ही लेकर आऊंगी। काया ये हल्दी वाला दूध पिएगी तो उसे जल्दी आराम मिल जाएगा, लेकिन हमारी समझ में एक बात नहीं आ रही है। जब शूट रद्द हो गया था तो दिव्यम जी स्टूडियो में कैसे पहुंचे, और उनके पास तो स्टूडियो की एक चाबी एक्स्ट्रा हमेशा रहती है, वो कहाँ खो गई उनसे? खैर ये तो अच्छा हुआ कि भोलेनाथ का संकेत हमें मिल गया और हम समय से वहां पे पहुंच गए, वरना पता नहीं बेचारे दोनों कितने समय तक भूखे और प्यासे रहते। वाह देवरानी जी वाह, आपके ऐसे शुद्ध विचार सुनकर हमरा तो मन हुआ कि आपके सिर पे ये ताज रख दें। आप क्या कहना चाह रही हैं हम समझे नहीं। हम समझाते ना देवरानी जी, देखिए एक जवान लड़का यानी आपके पति दिव्यम जी और एक खूबसूरत जवान लड़की
यानी आपकी बहन काया, दोनों एक छोटे से कमरे में बंद थे और वो भी अकेले। और आप है कि एक पत्नी होकर भी अपनी बहन के खाने पीने की चिंता कर रही हैं। वैसे ये ठीक भी है, आपकी सेहत देखकर ही लगता है कि आपको खाने पीने से कुछ ज्यादा ही प्यार है। खैर ये सब छोड़िए, आप एक बात बताइए कि जब आपके पति आपकी बहन को इस तरह से गोद में उठा कर ला रहे थे, आपको उन पर जरा सा अली भाभी प्लीज, हमें क्यों शक होगा उन दोनों पर? आखिरकार दोनों हमारे अपने हैं और हमें दिव्यम जी और काया पर पूरा भरोसा है। आप आइंदा से ऐसी बातें मत कीजिएगा उनसे। इसी तरह से पत्नियां अपने पति पर आंख मूंद कर भरोसा करती हैं और उनके पति बाहर उनके पीठ पीछे गुलछर्रे उड़ाते हैं। कहीं देवरानी जी के भरोसे को भी ग्रहण न लग जाए। आज भी मुझसे प्यार करता है। ये चाबी तो मेरे पास ही रह गई। जी माँ जी, ये ग्लास हमें दो, हम काया को दे देंगे। तब तक तुम जाकर के दिव्यम को पूछ लो कि उसे कुछ चाहिए तो नहीं। ठीक है माँ जी, हम देखते हैं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना आंटी? आपने देखा दिव्यम कैसे मुझे बाहों में उठाकर घर लाया? काया, नत्थू जैसी हरकतें करना बंद करो। नत्थू? कौन नत्थू आंटी? एक बार गली में ढिंढोरा मच गया कि नत्थू ने बहुत बड़ा जंगली शिकार किया है। सबको लगा कि कोई बड़ा जानवर या फिर शेर का शिकार किया होगा, तो शिकार देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। फिर लोगों ने देखा कि ये तो नत्थू ने जंगली चूहे का शिकार किया है। तुम्हारी भी हालत ना इस वक्त बिल्कुल वैसी ही है। ना बड़ा काम नहीं हुआ है, उससे बड़ा जश्न मना रही हो। अगर अभी राधिका ने तुम्हें देख लिया होता ना, तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाता। सॉरी आंटी, मैंने ध्यान नहीं दिया। जसजीत पर तुम अभी इतना इतरा रही हो ना काया, वो तो इसका सिर्फ पहला पड़ाव है। दिव्यम ने अभी तुम पर जरा सा ध्यान दिया है बस। अभी तुम्हें दिव्यम का दिल जीत कर उसे पूरी तरह से अपने काबू में करना है। उसके बाद जितना जश्न मनाना हो ना, मना लेना, समझी? जी आंटी, बहुत जल्द हम अपनी जीत की पार्टी करेंगे, आप देखना। मुझे काया को इसे उठाना नहीं चाहिए था, लेकिन उसे ये बात पता है। कुछ नहीं है हम दोनों के बीच, अब क्यों सोच रहा हूँ इतना? पता नहीं राधिका क्या सोच रही होगी, क्या उसे मुझ पर और काया पर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ होगा। दिव्यम जी, राधिका दरअसल वो
हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। राधिका, I'm sorry. आप हमें क्यों सॉरी बोल रहे हैं? नुकसान तो आपने अपना ही किया है। भाई जूतों पे ब्लैक पॉलिश कर दी है। लेकिन दिव्यन जी, आपको तो आपके जूते इतने प्यारे हैं, फिर ये गड़बड़ कैसे हो गई? अब जूतों को वापस से धोना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं, हम धो के साफ करके अच्छे से रख देंगे। थैंक यू राधिका। कोई बात नहीं, एक बात पूछूं? पूछिए। नहीं, तुम पूछो। आप किसी चीज को लेके परेशान हैं क्या, या फिर किसी बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं जिसकी वजह से गलती हुई? नहीं कुछ नहीं, वो कल का फोटोशूट कैंसिल हो गया ना, तो शूट भी वापस करना है। गोलू भैया को चोट लग गई और जितने वर्कर्स हैं सबका हिसाब भी करना है। और कुछ पूछना है तुम्हें? मैं पूछूं? राधिका, मैं और काया एक साथ कमरे में बंद थे, तुम्हें जरा भी बुरा नहीं लगा? नहीं दविन जी, बुरा क्यों लगेगा, आप दोनों तो गलती से बंद हो गए थे ना। हाँ लेकिन फिर भी अजीब था। दविन जी हम झूठ नहीं बोलेंगे, थोड़ी सी जलन तो हुई थी हमें, लेकिन बुरा नहीं लगा था क्योंकि हमें आप पर और काया पर पूरा भरोसा है।